झारखंड के धनबाद में री एडमिशन फीस से नाराज अभिभावकों ने डीएवी स्कूल कोयला नगर के मेन गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अभिभावकों का कहना है कि झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग के आदेश को धत्ता बताते हुए स्कूल प्रबंधन के द्वारा अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे बच्चे जिनके अभिभावकों ने ट्यूशन फीस तो जमा कर दिया, अन्य फीस नहीं जमा किए हैं, उनके बच्चों का रिजल्ट नहीं देने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को क्लास में प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इसके साथ ही ट्यूशन फीस भी बगैर सरकारी आदेश के बढ़ा दिया गया है। अभिभावकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि शिक्षा के मंदिर में चल रहे व्यवसाय पर रोक लगाए और अभिभावकों को शोषण से निजात दिलाते हुए स्कूल प्रबंधन की मनमानी को रोकें, ताकि उनके बच्चे का भविष्य बर्बाद न हो। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए अभिभावकों को शांत कराया। अभिभावकों ने बताया कि बच्चों को क्लास में री एडमिशन फीस के लिए प्रेशर दिया जाता है और डराया जाता है, इस वजह से बच्चे तनाव में स्कूल जाते हैं। जुलाई तक मेरे बेटा का फीस मतलब क्लियर है, उसके बाद भी हमको नहीं मिला रिजल्ट। क्या बोले कि आधा पैसा जमा कीजिए तब मिलेगा जो बकाया है उसे। बोलिए सरकारी आदेश है, किसी सरकारी आदेश है, तब पर भी नहीं मिल रहा। झारखंड सरकार जो आदेश पारित किए है 2020-21-22 जो पारित किए है, अगर स्कूल अगर नहीं मान रही है तो सरकारी स्कूल को ठीक कर दे। हम लोग सब सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ाए, हम लोग डीएवी और डीएनओवी और कार्बे में पढ़ाने जाए अपने बच्चों को। जब सरकार अपने आदेश को पालन नहीं करा सकती है इस क्षेत्र में, तब किस बात कर रहे पढ़ाएंगे भाई। हम लोग ट्यूशन फीस देने के लिए तैयार है, री एडमिशन हम लोग का बात किया जाए। सरकार का ये आदेश है, सांसद महोदय ने कहा है कि आप केवल ट्यूशन फीस जमा दीजिए, डीसी साहब ने कहा, एसपी साहब ने कहा, लेकिन फिर भी बदलाई लोग, मतलब शिक्षा मंत्री तक का मतलब जो आदेश का अवहेलना कर रहे हैं लोग। इन लोगों का काम है फूट डालो राज करो। देखिए पत्रकार बंधु, आज से 15-20 दिन पहले हम लोगों ने ये कार्यक्रम का शुरुआत किया। सबसे पहले हम लोगों ने डीएससी के पास गया, डीएससी ने साफ हम लोग को जवाब दिया कि कल दिशा की मीटिंग में इसको बैठक में बात उठाया जाएगा। दिशा की बैठक में ये सार्वजनिक हो गया, डीसी महोदय का ऑर्डर हुआ, सांसद महोदय का ऑर्डर हुआ कि ट्यूशन फी के अलावा कोई फी नहीं लेना है। डीएवी प्रबंधन को नोटिस भी भेजा गया, लेकिन इन लोगों ने आज तक कोई नोटिस नहीं दिया। कल भी हमने डीएससी से मिला, डीएससी ने साफ कह दिया है कि ट्यूशन फी के अलावा कोई फी नहीं लेने का ऑर्डर हमने जारी कर दिया है। अगर नहीं मानेगा तो जिला शिक्षा अधिकरण के अंतर्गत इन लोग का एनओसी रद्द कर दिया जाएगा। कल भी डीएससी का ऑर्डर है कि हर बच्चे का गार्जियन को रिजल्ट देना है। लेकिन मेनली हम लोग का मान ये है कि जो सरकार का ऑर्डर है 2021 कोरोना पीरियड में और 21-22 जो स्कूल बंद रहा उसका सिर्फ आप ट्यूशन फी ही ले सकते हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप नहीं ले सकते हैं। जबकि डीएवी मेंटेनेंस चार्ज, एरियर डेवलपमेंट क्या क्या करके कम से कम हर गार्जियन को 25,000-30,000-40,000 का डेली मैसेज भेज रहा है। बच्चा एकदम डरा हुआ है, बच्चा को स्कूल में खड़ा करके बोला जाता है कि अपने गार्जियन को बोलो कि पैसा बाकी है देना होगा, और ऑनलाइन क्लास में भी जबकि देखिए एक और आपको नया बात बताते हैं कि एलकेजी का कोई ऑनलाइन क्लास भी नहीं हुआ, उसके गार्जियन को भी नोटिस आ रहा है कि इतना पैसा जमा कीजिए। तो पत्रकार बंधु, आप लोग से भी निवेदन है कि हम लोग को यहाँ पार्टी पॉलिटिक राजनीति करने के लिए बैठे नहीं है, आप लोग का भी सहयोग की जरूरत है, इसलिए आप लोग इसको पेरेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार। अभिभावकों ने कहा कि झारखंड सरकार ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस नहीं लिए जाने का आदेश दिया है, इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों और छात्रों पर री एडमिशन के लिए लगातार दबाव बनाया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।